ऑफ सेक्शन 21 एंड 22। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, सीबीएसई ने कल काफी एक बड़ा अपडेट किया है, जो सेक्शन 21 और 22 है ना, क्लास 10 और 12 के जो बोर्ड एग्जाम है ना, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम आने वाला है और क्या क्या सारी चीजें, सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2। जी हाँ, इस बार सीबीएसई ने किया क्या मेरे दोस्तों की 10th और 12th क्लास सीबीएसई वालों ने, सीबीएसई ने दो पार्ट में एग्जाम को डिवाइड कर दिया। अब आप बोलोगे सर दो दो बोर्ड एग्जाम होंगे। हाँ मेरे दोस्तों, अब दो दो बोर्ड एग्जाम होंगे। किस तरह के होंगे मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट वन में क्या है और पार्ट टू में क्या है। पार्ट वन कौन से महीने में होगा और पार्ट टू कब होगा, ठीक है, डेट और क्या क्या है सब मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो को देखते रहो। जो पार्ट वन है वो आपका नवंबर और दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में आपके एग्जाम्स उसमें कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और पार्ट वन में किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, तो देखो जो पार्ट वन होगा उसमें आपके 50% सिलेबस आएगा, यानी आपके जो सब्जेक्ट है ना सारे, उनका 50% सिलेबस आने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी लगभग 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है, ठीक है, कितना 1.5 घंटा 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सब होंगे एमसीक्यू, यानी कोई भी सब्जेक्टिव बेस पर नहीं होगा आपका जो पार्ट वन एग्जाम होगा ना नवंबर दिसंबर के महीने में, तो सब्जेक्टिव बेस पर नहीं होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपको वहां पर देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद देखो वो एग्जाम आपका स्कूल में हो सकता है या एग्जाम सेंटर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। अगर पेंडेमिक, जो कोरोना चल रहा है ना, पेंडेमिक अगर ठीक होता है, सिचुएशन अच्छी होती है, तो वो आपको स्कूल में या एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल कराएंगे, वहां जाकर के आपको देना, यानी ऑफलाइन होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सिचुएशन खराब हुई ना, पेंडेमिक काफी ज्यादा सिचुएशन और खराब कर देती है, तो क्या होगा कि आपके जो एग्जाम होंगे ना पार्ट वन, वो ऑनलाइन होंगे। क्या होंगे? ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो पार्ट वन में आपको क्या क्या है कि नवंबर दिसंबर के मंथ में होने जा रहे हैं, 50% सिलेबस आएगा पार्ट वन और 90 मिनट का होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें दिए जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, स्कूल या कोई एग्जाम सेंटर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। ये 10 और 12 दोनों के लिए है। अब पार्ट टू की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों कि पार्ट टू में क्या होगा। तो पार्ट टू में यहाँ पर देखो कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपके एग्जाम होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें 50% सिलेबस नहीं होगा, यानी 50 इसमें से और 50 इसमें से, टोटल 100 हो गया ना। अब आप पूछोगे सर 50% में क्या आ रहा है, तो डोंट वरी, सीबीएसई जब भी अपडेट करेगी ना तो हम आपको बता देंगे। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट सीबीएसई की तरफ से आती है ना आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, हम आपको जल्दी से बता देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। 50% सिलेबस आ रहा है और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन इसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे, इसमें आएंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या आएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने मुझे 90 मिनट एमसीक्यू भी तो लिख रखा है। बेटा मैंने ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोरोना की सिचुएशन और खराब हो जाती है, पेंडेमिक की सिचुएशन और खराब हो जाती है, तो जो सेकेंड पार्ट है ना आपका, वो भी किस पर लिया जाएगा, 90 मिनट एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी 90 मिनट आपके पेपर की ड्यूरेशन होगी और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ना कि सब्जेक्टिव। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक है, पेपर के लायक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पार्ट टू में, जो कि कब हो रहे हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में हो रहे हैं, तो याद रखना। और एक और चीज, अगर काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए ना पेंडेमिक की वजह से, ना तो ऑफलाइन लिए जाए ना ऑनलाइन लिए जाए, तब फिर जो आपके प्रोजेक्ट है, इंटरनल असेसमेंट है, इनके बेसिस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा बाद में। लेकिन फिलहाल तो सीबीएसई ने ये 2 चीजें हमें बताई है कि पार्ट वन और पार्ट टू में आपके एग्जाम होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर पार्ट वन, मार्च अप्रैल पार्ट टू में होने वाले हैं, 50-50% सिलेबस दोनों में आने वाला है। लेकिन पार्ट वन में स्पेशल चीज क्या है कि 90 मिनट का आपका
पेपर का ड्यूरेशन होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना कि सब्जेक्टिव। और जो पार्ट टू है टू हार्ट्स के लिए होगा और उसमें सब कुछ सब्जेक्टिव आने वाला है आपके। और जो 50% सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी वो जल्दी सीबीएसई अपडेट कर देगी, और जैसे तुरंत वो अपडेट करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। थैंक यू।